आज इस मंच पर हम सब एक साथ हैं उन्हें सेलिब्रेट करने हमारे पैरा एथलीट्स हमारे डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स को सेलिब्रेट करने रिकोगगनाइज करने और एक्सेप्ट करने यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जानते हैं उनका सफर व्हीलचेयर से लेके सीधा पैरालंपिक्स के पोडियम तक किस तरह से उन्होंने परेशानियों का सामना किया वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट होता है वो जज्बा वो जोश हार नहीं माननी किसी भी किसी भी हालत में अपनी हिम्मत नहीं खोनी और उसी जज्बे को आज हम सेलिब्रेट करने उसका जश्न मनाने एक साथ उपस्थित हैं यह है रेडियंट डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स और अगर रेडियंट की बात करें तो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने निरंतरता के साथ सालों साल डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स को प्रोत्साहित किया है उन्हें सपोर्ट किया उन्हें एक मंच दिया है एक ऐसे शख्स जो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर एक्टर सिंगर इतने सारे अलग अलग काम करते हुए वो एक आज हमारे देश में एक स्पिरिचुअल मेंटोर हैं और सबसे बड़ी चीज़ वो चेयरपर्सन हैं रेडियंट डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स के मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री ओशिम खेतरीपाल खेत्रपाल जी को ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए ये जो गाना आप कुछ देर पहले सुन रहे थे चल जीत ले जहाँ ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है और ओशिम जी उसमें स्टार भी कर रहे हैं प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो उनके लिए फिर से ज़ोरदार तालियां और इस फिल्म में हमारे पांच स्पेशली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेटर्स जिन्होंने जाकर वर्ल्ड सीरीज़ जीती थी इंग्लैंड में 2019 में वो भी स्टार होंगे वो भी एक्ट करेंगे अभिनेता होंगे इस फिल्म की जो जल्द रिलीज़ होने वाली हैं ओशम जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो सफ़र रहा है कहानी जो आपने लिखी है इतनी कमाल की यहाँ ये मंच हम मानना चाहते हैं कि रेडियंट अवार्ड्स अर्जुना अवार्ड से कम नहीं है आपने ये सब तैयार किया इतने मैं आपको देख रहा हूँ दिन रात जो आपने इतने साल मेहनत की है इन एथलीट्स को आज जो पहचान मिल रही है वर्ल्ड स्टेज पे उसके पीछे आपका बहुत बड़ा या हाथ है और मैं आपसे कुछ शब्द जानना चाहूँगा कितनी मेहनत लगी और कैसे आपने इस स्टेज को सेट किया इसके पीछे की कहानी बताइए हम जब छोटे होते थे तो पेपरों में पढ़ते थे अर्जुन अबॉर्ड पद्मश्री और जब स्पोर्ट्स का करियर जब शुरू किया तब uh, मेरी इत्तेफाक से फर्स्ट रिलेशनशिप uh, हुई वर्ल्ड चैंपियन माइकल फरेरा से एंड जितने भी जो टेनिस के प्लेयर्स थे और उन लोगों को कोई पहचान नहीं मिलती थी वो लोग खेलते थे बट 200 500 1000 रुपए हज़ार रुपये के लिए खेलते थे वो एक दौर था और आज जो दौर है को वही तीस पैंतीस साल की कहानी याद आ गई दौर सेम है तो मन में कहीं था कि इंडियंस क्योंकि मैं भी भी टेनिस इंडिया के लिए खेलता था तो था तो कि ये इंडियंस को कभी वर्ल्ड में पहचान मिलेगी कि नहीं तो एक छोटा सा आदमी सत्ताईस साल का निकल गया कि मैंने कुछ इंडियन स्पोर्ट्स को पहचान देनी है आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्यों मेरी सोच है जो आज मेरी बेटी इसको आगे लेके चली है वो सोच है कि एक शेर पे निर्धारित है क्या नजा जो तकलीफों में मज़ा जब मौत ना आए जवानी में क्या लुत्फ जनाजा उठने का जब काम में मातम ना हो और आज जितने लोग जो बैठे हैं उनने चैलेंजेस लेके भारत के लिए नाम बनाया है और ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी स्पोर्ट से निकल के धर्म की तरफ चली गई बहुत ऑब्स्टिकल्स आई बट एक सोच कभी नहीं बदली कि डिफरेंटली एबल्ड को सपोर्ट करना है बिकॉज सबसे बड़ा कार्य कृष्ण ने और बाबा ने खाली एक ही बात बोली कि विकलांगों की सेवा करो किन्नर की सेवा करो गाय की सेवा करो और आज साईं बाबा फाउंडेशन तीनों को बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट इसलिए है क्योंकि आज जितने भी जो एथलीट्स पहली चेयर पर बैठे हैं उन सबको कहीं ना कहीं पाँच साल के अंदर एहसास हुआ है कि अगर वो गोल्ड मेडल जीते हैं या सिल्वर जीते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक शख्स की का हाथ है उसका नाम है साई बाबा एक एक व्यक्ति जब चार साल पहले आया था तो शायद इस बात को मानता नहीं था बट आज जितने सामने बैठे हैं उनको यह एहसास है कि वो है मेरा कार्य उतना ही था कि मैं उनको ऊर्जा दे दूं और एहसास दिलाऊं कि कायनात से जब कुछ शिद्दत से मांगते हो तो मिलता जरूर है आज वो एक सोच बेटी के साथ शुरू करी कि इनको प्रोत्साहित करके आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको खाली ऊर्जा दोगे मगर आपको जो पुण्य मिलेगा उसका कोई अंत नहीं वो भंडार इतना बड़ा मिलेगा कि उसका कोई अंत नहीं है आई फेल्ट सो हम्बल्ड दैट एवरी वन इंक्लूडिंग अश्विनी नचप्पा वर्ल्ड पैरा हेड ऑल ऑफ देम दे जस्ट केम फॉरवर्ड एंड किसी ने एक पैसा नहीं मांगा बल्कि उल्टा ये बोला कि आपका वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू विच गिव इम्पेटस कि ये आज खाली अवार्ड हम पैरा के लिए नहीं करेंगे बट ये अवार्ड एक ऐसा होगा जहाँ पर एक एनुअल फीचर बनेगा एंड इफ इट कैन कनेक्ट लाइक द अर्जुन अवार्ड्स आई थिंक रेडियंट एंड साई बाबा फाउंडेशन वुड हैव डन इट्स वर्क हमारे बीच है सुनील जोधा इनकी कहानी सबको पता है प्राइम मिनिस्टर ने इनको एक वॉरियर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है और ऐसे हमारे बीच आगामी सालों में बहुत लोग होंगे ऑथर्स होंगे पोइट्स होंगे लिरिक राइटर्स होंगे मगर एक अवार्ड हमने ऐसा दिया है इसके अंदर जो बेस्ट इंस्पिरेशन फ़िल्म होगी वो फिल्म जरूरी नहीं है कि वो फिल्म डिसेबल्ड पे हो वो फिल्म होगी जिसने आपको इंस्पायर किया एक अवार्ड है विच इज गोइंग टू बेस्ट ओ बेस्ट ओटीटी फिल्म बिकॉज फिल्म का जो इम्पैक्ट है वो टेलीविजन सीरियल का इम्पैक्ट नहीं है वो इम्पैक्ट क्या है बिकॉज दिस अवार्ड इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट एंड अगर आपका इम्पैक्ट नहीं है पब्लिक पे तो मेन मकसद रेडियंट का क्या है कि आपको न्यूज़ में रखना आपको प्रोत्साहित करना और आपको बोलना यस देर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड यू यू मे नॉट बी लाइक्ड बाय योर फेडरेशन जब तक कायनात नहीं चाहती उतनी देर तक डू योर प्रोसेस इज वेल और आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी बिकॉज थोड़ी देर के लिए मैंने स्टेफी ग्राफ को रिप्रेजेंट किया था जब उसने इंडिया आना था तो आंद्रिया गासी वर्ल्ड नंबर वन था बट जब वो वर्ल्ड नंबर वन था तो कहता है मैं बहुत अकेला हो गया मैं लोगों के साथ अलग हो गया और मैं गिर के हंड्रेड एंड फोर्टी पहुँच गया जब मैं 140 पहुंचा तो सब लोगों ने गिवअप कर दिया कि आंद्रिया गासी ड्रग्स में चला गया सब कहानियां बनने लगी एक दिन मैं उठा और एक स्पिरिचुअल लीडर के पास गया उसने मुझे एक ही बात बोली कि तू अपना प्रोसेसेस ठीक कर कीप ऑन डूइंग योर प्रोसेसेस ऑल राइट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड स्टार्ट वर्किंग जैसे तू बारह साल पे काम करता था उसने 12 साल की एज पे जो काम किया वो फिर जाके वर्ल्ड नंबर वन बना सो एवरी थिंग इज पॉसिबल एंड टूडे दीज अवार्ड्स स्टार्टिंग दीज अवॉर्ड्स इज ओनली टू गिव एंड टेल द पब्लिक थ्रू द मीडिया दैट दीज आर द पीपल हु गिव इंस्पिरेशन टू अस नॉट अस इट इज जस्ट ऑनरिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया थैंक यू वेरी मच अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे वाइस चेयरपर्सन रेडियंट स्पेशली एबल्ड डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के वाइस चेयरपर्सन जो खुद एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है और फॉर्मर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन रह चुके हैं मिस्टर रुपिंदर सिंह जी का स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ Our journey began in college days nearly 30 years ago when Oshim and me were in college and we used to play different sports, but meet each other because in the hostels, as you know, sometimes a dinner at Hansraj is better, sometimes St. Stephen's, sometimes Hindu, sometimes Ramjas. So we used to just keep hopping over. And in those times, when we were doing athletics, I had heard of a person, Murli Petkar, who in 1972, that was when I was only 17 years old, went to the Olympics on his own and won a medal in swimming. Mr. Debas, who is also on our committee, will tell you more about him. But that was a phenomenal achievement and that woke up the whole of India. And today, what we are seeing in the form of Shital Devi, Sumit Antil, Sundar Gujar, the names can go on and on, the blind chess players. And in fact, while discussing with Yogeshwar, the most important message he gave me was he had represented India in two Olympics and had failed to win a medal. But he persevered. And in his third Olympics, that is after 12 years he finally got his medal. so never lose, hoop, lose hope, just like ashish was saying, your time will also come. apna time be zarur so just keep persevering and we hope we can empower this whole differently able sports person and the whole society as such as make these awards bigger and bigger and inclusive. Starting from the Indian sportspersons that we are inspired by every day. Thank you. अब आगे बढ़ते हैं मैं बुलाना चाहूँगा अभी स्टेज पर विकास कपूर जी वो एक बहुत ही खास हिस्सा हैं रेडियंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स के और उनको अब स्टेज पर मैं बुलाना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ <laughs> मैं सबसे पहले जिसको धन्यवाद देना चाहूँगा वो है राधिका क्योंकि जब हमारी अगली पीढ़ी आगे आती है तो हमारी खुशियाँ चार गुना हो जाती हैं और सच में मैं जब यहाँ आया तो मैं ओशम जी को बोल रहा था कि राधिका जिस तरीके से चीज़ों को संभाल रही है मुझे कहीं ना कहीं उसमें आपकी छवि दिखती है ओशम जी ने अपनी बात एक बहुत अच्छे शेर से शुरू की और मैं उनकी बात का जवाब एक शेर से ही देना चाहूँगा अकेला ही चला था जानी वे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया और मैंने सच में उस अकेलेपन की यात्रा को उनके देखा है उनके सपनों को देखा है लेकिन कभी सोते हुए नहीं एक ऐसी एनर्जी उनके अंदर थी एक ऐसा जोश एक ऐसा जज्बा था कुछ करना है एक पल के लिए भी मैंने उनको कभी शांत नहीं देखा और ये जो जज्बा था इसने बहुत सारे लोगों को वो कारवा बनाया वो लोगों को जोड़ा वो चीज़ें इकट्ठा की हर दिन उनके पास एक नया थॉट होता है और वो उस थाट को कैसे क्रिएट करें कैसे उसको खड़ा करें इस पर इतना ज़्यादा मंथन करेंगे और करके दिखाएंगे तो मैं सच में बोलता हूँ कि जब 2002 में हम लोग पहली दफ़ा मिले तो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा था मुझे लगा कि ये क्या चाहते हैं क्या करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं लेकिन जब धीरे धीरे रोज हम मिलना शुरू हुए और हमने इनकी क्रिएटिविटी को देखा हमने इनके जोश जज्बे को देखा तो मुझे समझ में आया कि इस आदमी के अंदर कुछ अलग है और वो अलग उसको कहीं अलग ही ले जाएगा और ले गया और मैं रुपिंदर जी की बात पे एक थोड़ा सा आगे आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा गली बॉय का एक डायलॉग था अपना टाइम आएगा कभी भी अपना टाइम नहीं आता है कभी नहीं आता है अपना टाइम लाना पड़ता है और आप लोगों ने ला दिखाया है मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को जोश को ये चल जीत ले ला जहाँ की लाइन है अपना टाइम कभी नहीं आता है अपना टाइम लाना पड़ता है हम लोग आज बात कर रहे हैं इस अवार्ड सेरेमनी की मैं एक बात जानता हूँ कि हमारा जो शरीर है जो परमात्मा ने हमको दिया उसकी क्षमताएं बहुत सीमित हैं उसकी क्षमताओं की सीमाएं निर्धारित हैं आप 10 फुट की छलांग लगा सकते हो आप 25 फुट का भाला फेंक सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन एक लिमिटेशन जब आप शरीर के साथ हो लेकिन जिस दिन आप मन के साथ जुड़ गए जिस दिन आपने अपनी आत्मा को अपने आप से जोड़ लिया उस दिन आपकी सीमाएं समाप्त हो गई तो हमारे ऋषियों ने क्या कहा उन्होंने अपनी बाहर की आंखों को बंद कर दिया और अपने भीतर की आंखों से एक नए ब्रह्मांड को खोजा एक नए ब्रह्मांड को देखा असीम संसार था वहां पे और मैं आप सबको जब भी देखता हूं मुझे सच में वो ऋषि उन्हें दिखाई देते हैं मैं नीरज की बात करता हूं सिमरन की बात करता हूं इनसे मैं पहले मिला हुआ हूं इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं आप सबके नाम से वाकिफ नहीं हूं मैंने इनके भीतर वो क्षमताएं देखी जो एक ऋषि के भीतर होती थी जो अपने शरीर की क्षमताओं से आगे मन की क्षमताओं को जागृत करके दिखा रहे हैं हम जो फिल्म कर रहे हैं उसमें वो बच्चे जिन्होंने संघर्ष को जिया वो अपनी रियल एक्टिंग करने जा रहे हैं वो अपना अपना संघर्ष अपनी जिंदगी को अपने आप पेश करने जा रहे हैं तो ये रियल सिनेमा है जो चल जीत ले जहां है और इसकी कहानी को भी मैंने बहुत सारी कोशिश की है मैं उनकी रियलिटी के बहुत नजदीक रखूं मैं उस तामझाम को जो फिल्मी तामझाम होता है उससे दूर ले जाकर एक ऐसा सिनेमा बनाऊं जिसमें लोगों को ये कसक हो कि सच में इस आदमी ने यह संघर्ष किया है फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियंट को सार्थक को बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और शुभकामनाओं के साथ आज हमारे बीच भारत की शान एक ऐसे रेसलर जिन्होंने कुश्ती का जो एक जो मीनिंग थी हमारे कुश्ती के देश में बदल दी अपने कारनामों से 2012 के समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर योगेश्वर दत्त ने इतने सारे नए नौजवानों को मौका दिया सोचने का कि हम जाकर ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2010 और 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि योगेश्वर जी आज इस इवेंट में हमारे साथ हैं और डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स को वो बढ़ावा दे रहे हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ योगेश्वर दत्त का स्वागत कीजिए भारत माता की भारत माता की सभी को नमस्कार और आप सभी के सामने अब अपनी बातें हमारे अतिथियों ने रखी सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ एडियन सपोर्ट्स मैनेजमेंट को कि वो पहला ये अवार्ड फंक्शन स्टार्ट कर रही है मेरे साथी खिलाड़ियों के लिए दिव्यांग दोस्तों के लिए बहुत अच्छी पहल है ये कि हमें आप लोगों से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा लेनी भी चाहिए चाहे आप सुमित अंतिल को देखिए सुनील है शीतल देवी है और भी आप कितने खिलाड़ी हो हर हिंदुस्तानी से आपको सीख लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में कितने कष्ट कितनी रुकावटें आएँ हमें रुकना नहीं है बात चाहे ओलंपिक की हो चाहे एशियन गेम्स की हो जो मेडल टैली आप लोगों ने बढ़ाई है वो बहुत काबिल तारीफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आम खिलाड़ी साथ, साथ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बराबर का दर्जा दिया है वो बहुत बड़ी बात है आप अगर थोड़ा अतीत में जाओगे 2014 से पहले जाओगे तो आप खुद देखोगे कि हमारे देश में वैसे तो हर खेल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी पुरुष अलग भी जो मुखबदिर हैं जो हमारे पैरा ओलंपियन हैं उस तरीके की सुविधा नहीं थी पर प्रधानमंत्री ने दो ओलंपिक के बाद में काफ़ी कुछ बदलाव किए टॉप स्कीम का गठन किया टोम टीम टीम बनाइए टॉप जिससे जो हमारे खिलाड़ी हैं वो आम खिलाड़ी हो या पैरा ओलंपियन हो उनको अलग से सुविधाएँ दी जाए उनको चाहे देश में विदेश में कहीं भी ट्रेनिंग के लिए मेहनत करनी हो अलग कोच चाहिए अलग फीजो चाहिए वो सब मिलता है और कुछ साथी तो टोफ में हैं मेरे को इन बातों का इसलिए पता है कि मैं उस टीम में हूँ एम मिशन ओलम्पिक्स येले की टीम में हूँ मैं जब भी खिलाड़ियों का कोई प्रपोजल जाता है तो बिना किसी देरी के यही होता है कि जल्दी से जल्दी हमारे खिलाड़ियों को वो सुविधाएँ मिलें वो फैसिलिटी मिलें वो कोचिज वो पूरा सपोर्ट स्टाफ मिले जिसके ये इकदार हैं सुमित अंतिल का मेरे को पता है जब वो बचपन में पहलवानी करता था एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी टांग वाणी पड़ी थी पर उसने हिम्मत नहीं हारी कुश्ती छोड़ के जैवलिन फेंकने लगा और वो ओलंपिक चैम्पियन बना बहुत बड़ी बात है आपसे इसलिए सभी को सीखने की ज़रूरत है कि रास्ते कभी बंद नहीं होते अगर एक रास्ता बंद होता है तो उससे आगे जाने का दूसरा रास्ता में जरूर मिलता है आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए पूरा देशवासी सभी आपके साथ खड़े हैं और मैं तो खुद बोलता हूँ कि हमसे भी लोग प्रेरणा लेते हैं पर हम अपने साथी खिलाड़ियों से प्रेरणा लेते हैं कि जिस तरीके से आप एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक में मेडल जीतते हो तो आने वाले टाइम में ऐसे ही आप मेडल जीतते आगे बढ़ते रहो और जिस तरीके से आज ये आयोजन किया गया है अवार्ड ये पहला अवार्ड फंक्शन है तो आने वाले टाइम में और भी लोग ऐसे ही आगे आएंगे और उसी तरीके से आप लोगों का भी पूरा मान सम्मान आज मिलता है और, और ज्यादा मिलेगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत नीरज यादव जो इंडियन पैरा एथलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट वो भी भाला फेंकते हैं और उन्हें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए और आज रेडियंट के द्वारा हम नीरज की कहानी को फिर से दोहराना चाहते हैं दुनिया से शेयर करना चाहते हैं मैं आज आपके सामने अपने कैरियर के बारे में थोड़ा सा विवरण करना चाहूँगा कि जब मैं सात साल का था तो मेरे पैरों में ये प्रॉब्लम हो गई तो एक माँ बाप के लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग टाइम रहता है कि वो उनका एक अच्छा भला बच्चा विकलांग हो गया तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो डीमोटिवेट करते हैं कि भई आपका बच्चा विकलांग हो गया है पता नहीं अपनी लाइफ में क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा तो उन्हीं की जो बातें हैं वो मुझे लगी और मैंने अपना स्पोर्ट्स कैरियर स्टार्ट करा 2005 में तो जब मैं 2005 में टेनिस खेलना स्टार्ट करा था तब मुझे 2006 में ओशम सर मिले थे तो तभी से ओशम सर मेरे साथ हैं और वो इतनी अच्छी प्रेरणादायक बातें बताते हैं कि आप अपने जीवन में कभी हार ना माने अगर आप अपने जीवन में हार मानते हैं तो आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाओगे आप अपने आप को मोटिवेट रखें अपने माइंड को शांत रखें और भगवान पर भरोसा रखें तो जिस तरीके से सर हमें आशीर्वाद देते हैं उसी तरीके से हमारे ऊपर साईं बाबा का हाथ है तो हम धीरे धीरे करके अपनी मंजिलों को पार करने लग गए फिर मैंने अपना स्पोर्ट्स कैरियर दोबारा एक बार ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मैंने मैरिज कर ली थी तो मैरिज करने के बाद मैंने सोचा कि अब ठीक है बहुत स्पोर्ट्स हो गया तो अब थोड़ा फैमिली के ऊपर ध्यान दिया जाए तो मेरी वाइफ ने मुझे फिर से प्रेरणा दी कि आपने जब जब पहले स्पोर्ट्स कर रहे थे तो आप दोबारा से स्पोर्ट्स करो तो मैंने 2015 में एथलेटिक्स को अपना कैरियर समझा और मतलब पूरा पूरा फोकस मैंने अपना एथलेटिक्स को दिया तो 2015 में जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मैं जो अचीवमेंट्स हैं वो मैं हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी उस वक्त मौजूद थे और मैं उस वक्त नया था थोड़ी घबराहट थी मन में कि पता नहीं इतना बड़े लेवल पर मैं पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा तो एक बार मैं काफ़ी परेशान था मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरा फर्स्ट नेशनल था 2015 में तब मुझे ओशम सर से मतलब ओशम सर ने मेरे को बोला कि आप गेम करने जाओ बट लेकिन आप उस गेम को सीरियस मत लो उस गेम को आप पहली बार अपना नेशनल खेलने जा रहे हो तो आप उसको एंजॉय करो तो मैंने उन्हीं की बात को सुन के समझ के और साईं बाबा के सामने हाथ जोड़ के मैं उस नेशनल में गया तो वहाँ पे भगवान की कृपा थी और जो मेरी मेहनत थी और ओशम सर का आशीर्वाद था जो मेरा वहां पे एक गोल्ड और एक ब्राउन्ज मेडल आया फिर मैं अपना 2018 में मैंने अपना एशियन गेम फर्स्ट बड़ा इवेंट खेला एशियन गेम जहां पे मैंने जेवलिन में गोल्ड मेडल लिया विद एशियन गेम रिकॉर्ड के साथ और अभी 2023 तेईस में जो एशियन गेम हुए हैं उसमें मेरे दो गोल्ड मेडल आए हैं एशियन गेम मैं जेवलिन थ्रो में और डिस्कस थ्रो में दोनों में मेरा एशिया रिकॉर्ड और गेम रिकॉर्ड है थैंक यू प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर गौरव खन्ना अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ कोर्स। नॉर्मली वी यूज टू अटेंड दीज फंक्शंस इन सम होटल्स इन सम कॉन्फ्रेंस रूम्स और इन अ बिग बिग हॉल सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अप्रिशिएट दर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग इन द नेचर इन दिस नेचुरल एटमोस्फेयर There are various uh, friends. I have seen few known faces here, and uh, very familiar, very friendly, and uh, they are the pillars for uh, raising the level of para sports in the country. Dawasar, my mentor, Guru Dawaji, thank you so much for being here, of course. We have worked together for long, along with the Ministry of Youth Affairs and Sports. फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम फॉर द डिसेबिलिटी इन रानी लक्ष्मी बाई यूनिवर्सिटी ऑफ फिज़िकल एजुकेशन फ्राम टू जीरो वन वन टू थ्री जीरो वन फाइव डैट वॉज अ गवर्मेंट स्कीम देखिए आप लोगों जैसे बहुत सारे एडवोकेट्स की आवश्यकता है क्योंकि चाहे भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में हरा रही होती है या फिर नीरज चोपड़ा भाला फेंक के सबसे जूद दूर फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर रहा होता है या फिर हमारा नीरज वही काम कर रहा होता है तो बावन सेकंड के लिए बावन सेकंड के लिए जब नेशनल एंथम राज होता है तो पूरी दुनिया आपके सम्मान में खड़ी हो जाती है और आपके तिरंगे को ऊंचा देखते हुए सलाम करती है और वो सलाम कहीं भी अलग नहीं होता है चाहे वो पैरा स्पोर्ट्स हो चाहे वो एबल बॉडी स्पोर्ट्स हो आज ऊर्जा के तौर पर हमको अपने क्रिकेट के पद्मश्री अवार्डी जी अनिक जी मिले बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे मिलके और इसी तरह हमारे जो डिफरेंट एबल स्पोर्ट्स हैं उनके इन अचीवर्स को यहाँ पर सम्मान देने से कम से कम ये प्रेरणा भारत के कोने कोने में विभिन्न विभिन्न जगहों पर पहुँचेगी जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि नए नए खिलाड़ी पैदा होंगे और हमारे और आपके बीच में जो एक्सपर्ट्स हैं उन तक पहुँचते हुए अपने भविष्य को सुधार सकेंगे थैंक यू अगेन रेडियन फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल फंक्शन थैंक यू सो मच अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दो ऐसे शख्स जिनका अभी गौरव जी कह रहे थे दबास सर जिन्होंने स्विमिंग में पैरा स्विमर्स को इतना साथ दिया है उनको एक पहचान दिया और निरंतरता के साथ उनका साथ दे रहे हैं हमारे बीच वीके दबास जी इफ यू कुड प्लीज कम ऑन स्टेज सर और उन्हीं के साथ-साथ स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा गौरव दत्ता जी कर्नल गौरव दत्ता हुज एट प्रेजेंट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द आर्मी पैरालंपिक स्पोर्ट्स नोड एपीएसएन बेस्ड इन पुणे हिज इज दैट ऑफ अ गो गेटर विद इन अ आफ्टर लूजिंग हिज लेग He reported back to duty with the battalion during Operation Parakram. He assigns his ability to get up and persevere in the face of challenges to the spirit of sportsmanship. We salute you, Colonel Gaurav Datta. With a huge round of applause, Dabas sir and Colonel Datta. सबसे पहले आई वुड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दबास जी आप स्विमर्स के साथ काम करते हैं वॉट वुड यू से इज द वे फॉरवर्ड फॉर अस टू क्रिएट स्विमिंग इज वन स्पोर्ट वी हैव सॉर्ट ऑफ नॉट रियली मेड इट ऑन द वर्ल्ड स्टेज इन इट कम्स टू मेडल्स वेर आर वी लैकिंग एंड वॉट कैन वी डू टू इंप्रूव इट एंड वॉट वुड यू सजेस्ट गिवन दैट यू हैव वर्क सो हार्ड ऑन दिस जो खिलाड़ी हैं दिव्यांग जिनको हम कहते हैं बहुत सारे कष्ट होते हुए भी सुबह उठकर ग्राउंड पर आना मेरे ख्याल से जिस कष्ट से वो गुजरते हैं जिस मेहनत से वो गुजरते हैं एक मेडल तो उनका ग्राउंड पर आने में ही बनता है और जहां तक आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं करने को बहुत कुछ है सिर्फ हमें एक सोच बदलनी है अभी भी समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति सही सोच नहीं है अभी भी हालांकि कोशिशें बहुत हुई हैं सरकार की तरफ से एन की तरफ से खुद रेडिएंट ने कोशिश की है बहुत अच्छी कोशिश आपकी है सम्मान के साथ साथ इनको जो सुविधाएं चाहिए ये लोग फेल नहीं होते और जैसे मोदी जी ने कहा था खेलों में या तो जीत होती है या सीख होती है हार नहीं होती जब हम कोई मेडल लूज करते हैं लूज करके भी हम बहुत कुछ सीख के सीख कर आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि एक सोच हमें बदलना है इन लोगों को क्या चाहिए किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए किस प्रकार की ट्रेनिंग गैजेट्स चाहिए मॉडिफाइड वो गैजेट्स अगर हम इनको प्रोवाइड करें तो इनके आगे कोई बाधा नहीं है और ये मेडल्स का इंडिया के अंदर इतने जैसे गौरव जी ने कहा 2036 में ये अंबार लगा देंगे मेडल्स का सिर्फ एक सोच बदलना है कोई भी हम स्पोर्ट्स uh, टेक्निक करते हैं सबसे पहले हम स्टांस लेते हैं स्टार्टिंग टेक्निक जो होती है स्टांस बोलते हैं उसको और स्विमिंग में उसको स्टार्टिंग पोजिशन बोलते हैं तो इनको जब स्विमिंग सिखलाते हैं तो कोई इधर झुक रहा है कोई आगे झुक रहा है क्योंकि बैलेंस अलग अलग है कोई पीछे की तरफ भाग रहा है कोई ज़्यादा फ्लोट कर रहा है तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो इसी प्रकार से जब हम इनको फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं जो जिम वगैरह में करवाते हैं वो भी इनके अनुसार नहीं है या इनको आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं उनकी भी दिक्कत आती अभी भी इंपोर्टेड सामान हम ज्यादातर मंगाते हैं तो हमें एक सोच बदलनी है और इनके अनुसार हमें इनको गैजेट्स और सुविधाएं और माहौल देना है मैं गारंटी से कहता हूं इनके सामने हम जनता फेल होती है ये फेल नहीं होते थैंक यू वेरी मच I would now like you to just help us understand when you see this kind of a setup, this opportunity, this platform, where we want to promote inclusivity, and we want everyone to understand there is no difference in a cramp that a differently abled experiences or a normal human being experiences. The pain.

रेडियंट डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स की की गई है इन अवार्ड्स की ये हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जिससे पूरी दुनिया पूरा देश हम सब लोगों के काम को देखे और पहचाने जो सवाल किया गया ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जो हम सब के बीच में हैं डॉक्टर डब्बा साहब ने आपको बताई कुछ उसमें से मैं एक अलग पहलू पर बात करना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए एज स्पोर्ट्स पर्सन सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में वो है एम्ब्रेसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कर्नल आप क्या सोचते हैं जो चल रहा है उसका कैसे इम्प्रूवमेंट हो मेरे मुंह से एक ही बात निकली आज की डेट में जो पैरालंपियंस हमारे पैरालंपिक स्पोर्ट्स पर्सनस जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं वो लिटरली चकदे फटे पर चल रही है मेहनत ताकत और अपने मेंटल पावर के बेसिस पे चल रही है हम अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे इतनी मेहनत करने के बाद भी जहां पर हम एशियन गेम्स एशियन पैरा गेम्स के अलावा पैरालंपिक गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकें और उसका कारण सिर्फ एक ही है वो है लैक ऑफ स्पोर्ट साइंस इन आर ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ स्पोर्ट्स साइंस फेसिलिटी इन द कंट्री की गई हैं कुछ फैसिलिटीज़ अभी सेटअप की गई हैं जिनका फ़ायदा हमारे पैरारोवर्स भी उठा रहे हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ ये मैं स्पेशली एथलीट से बोल रहा हूँ क्योंकि एथलीट को लगता है मैं जितना टाइम ग्राउंड पे या पानी में या शूटिंग रेंज में निकालूं मेरे लिए उतना ही अच्छा है वो ज़रूरी है लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स साइंस को इम्प्रेस करेंगे जितने एफ़र्ट में आप आज रिज़ल्ट अचीव कर रहे हैं और उससे आपकी बॉडी के ऊपर जो फिज़िकल इम्पैक्ट हो रहा है जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को स्पोर्ट्स साइंस रिड्यूस कर देगी मैं चाहूँगा कि इस स्टेज के माध्यम से अपील करना उन सभी माँ बाप से और उन सभी लड़कियों से लड़कों से जो बाहर आने से घबरा रहे हैं घबराए नहीं यहां पर एक बहुत बड़ी फैमिली है जो आपका इंतजार कर रही है थैंक यू जय हिंद मिस्टर शेखर नायक विद पद्मश्री द कंट्रीज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन एंड आल्सो विकेट कीपर शेखर नायक का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए स्टेज पर शेखर जी प्लीज आइए शेखर इतने सारे बच्चे इस देश में क्रिकेटर बनना चाहते हैं 130 करोड़ लोगों में लगभग सबको लगता है कि हमें क्रिकेटर बने लेकिन बिना आँखों के इस तरह का प्रदर्शन करना इतना हमारे हम सबको गौरव महसूस होता है गर्व महसूस होता है आपने जो किया है आपके सफ़र के बारे में आप कहाँ से प्रेरणा मिली और कहाँ से शुरुआत हुई सीधा जाके वर्ल्ड कप में आपने इस तरह का कमाल किया आप बताइए थोड़ा आपके बारे में Uh, we lose something in our life, so like that in our body, like one um, there is a uh, there is an organ which is not working. God gives God has given already the uh, double power of double engine power of to the other uh, organ. So like that, here in my life journey, um, there are uh, more than sixteen members are visually impaired service in my family, my mother, uh, her sisters and all so because of uh, the hereditary, i can say uh, this is from the, my mother's side and when i was a small boy uh, my you know my, uh, my neighbors my, my neighbor friends they all are going to play in the river uh, behind the uh, school compound so everywhere they used to go and play so they don't take me to play because i am not able to see i'm not able to compete with them so that's what they are not allowing me to play so my mother always, you know, she used to get uh, hurt on this matter. So she used to tell me always that if you are a blind person, you don't think that you are a blind person. You think that you have everything. See, today these guys are not taking you to play. One day you only have to create that these guys have to come and ask you, Shekhar, can we come and play with you? So like that, she used to motivate me always. So... Uh, uh, इन नाइनटीन नाइनटी फोर आई आई वॉज ऑल्सो ए टोटली ब्लाइंड फॉर अबाउट एट ईयर्स सो कुछ बोलते हैं ना कुछ अगर जिंदगी में बुरा होगा तो वो भलाई के लिए होता है सो द सेम थिंग हैपन इन माई लाइफ इन नाइनटीन नाइनटी फोर आई फेल डाउन इन ए रिवर एंड एवरी नेक्स्ट डे एट द समी वो डॉक्टर्स आई मीन हॉस्पिटल देन आई वी गॉट आई ऑपरेशन एंड लिटिल बिट लाइक फोर्टी परसेंट ऑफ यूजन आई गॉट इट अगर मैं उस दिन नहीं गिरा होता तो मुझे इतने जो 40 परसेंट थर्टी फाइव परसेंट मैं अभी देख सकता हूँ उतना रोशनी भी नहीं आती आपको जो करना है वो करो वो उसको जो देना है वो देगा राइट सो मेक योर डू डू यूर हार्ड वर्क ऑलवेज आई रीच्ड फ्रॉम फ्रॉम द गली टू अप टू पद्मश्री बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क सो वी हैव टू डू ऑलवेज हार्ड वर्क इफ यू वन वन आर टू मेडल आर टेन फिफ्टीन मेडल You don't think that my dream is over. Your dream starts from there, right? So you have all. I mean, our uh, specially able people, all are our, making our country proud. So so happy for that. So uh, for the, well, I should I thank for this wonderful opportunity. <laughs> Thanks once again. We've had many games, many uh, sports representatives here. i would like to invite uh, last but not the least mr manish thul to please also come on the stage and speak on behalf of his sport um, thank you so much for coming um, it is an absolute honor to have you today and i'd really re request you to come on the stage and be a part of this मुझे बहुत खुशी होती है कि रेडियंस फाउंडेशन ने रेडियंस की टीम ने ये जो आयोजन किया है बहुत ही बेहतरीन आयोजन है और इसी तरह के आयोजन से आ, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को और हमारे पैरा एथलीट्स को आ, उनका हौसला बढ़ेगा और आने वाले दिनों में ज़रूर वो नए ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तो मैं एक बार और रेडियंस अवार्ड के सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आ, आयोजन को यहाँ पे आ, कर रहे हैं और मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आ, ब्लाइंड चेस हम लास्ट ट्वेंटी सिक्स ईयर्स से हम लोग uh, इसमें काम कर रहे हैं तो अभी तक हमने इंटरनेशनल लेवल पे फोर्टी टाइम्स पार्टिसिपेट किया होगा लेकिन उसमें से हमने मतलब लगभग लगभग थर्टी सेवन से थर्टी एट टाइम्स मेडल प्राप्त किए लेकिन मतलब कभी कभी ऐसे बोलना पड़ता है कि मेडल्स मिलने के बाद भी थोड़ा जो रिकोगशन गवर्नमेंट से मिलना चाहिए वो आज तक मतलब चेस को नहीं मिल सका जबकि चेस ऐसा खेल है कि जो इक्वल पोटेंशियल लेवल पे साइटेड के साथ भी खेला जा सकता है मतलब ब्लाइंड चेस ऐसा एक नयो खेल है सभी खेल में जो भी हम पैरा एथलीट्स खेलते हैं सभी स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस को कुछ कम ज़्यादा करके उसमें रूल्स बनाए जाते हैं लेकिन चेस ऐसा खेल है कि जो इक्वल लेवल इक्वल रूल्स के बेस पे खेला जाता है इसीलिए हमारे चेस प्लेयर्स जो है वो साइटेड प्लेयर्स के साइटेड टूर्नामेंट्स में जाके भी पार्ट लेते हैं और मुझे एक और एक ख़ास बात बतानी है कि जब हमारे पैरा एथलीट्स मतलब एशियन पैरा गेम्स में फर्स्ट टाइम जब चेस इंट्रोड्यूस किया टू में उस समय हमको उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्लेयर्स उसमें मेडल मिलाएंगे लेकिन पहली बार जब चेस इंट्रोड्यूस किया वो उस समय हमने पांच मेडल्स उस समय मिलाए जिसमें एक गोल्ड एक सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज थे उसके बाद जब हॉन्गजोंग चाइना में हमको मौका मिला तो उस समय हमको गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि जो टॉप एट एथलीट्स एट जो रहेंगे उन्हीं को हम पार्ट लेने देंगे जो एशियन लेवल पे और 2008 का उनको चलता नहीं था कि 2018 का मतलब Uh, जो रिज़ल्ट uh, था उस बेस पे वो लेना नहीं चाहते थे हमने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप इसको एक अलग तरीके से ट्रीट कीजिए और डेफिनेटली हम लोग आपको लास्ट पैरा एशियन गेम्स में जो मेडल्स मिला है उससे ज़्यादा मेडल्स मिलाएंगे तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकृत किया और 2022-23 के की अभी जो चाइना में हांगचोंग में जो एशियन पैरा गेम्स हुए उसमें मुझे खुशी के साथ बता बताने में खुशी होती है कि हमने एट मेडल्स मिला है जिसमें दो गोल्ड दो ब्रॉन्ज और बाकी सिल्वर uh, मेडल्स uh, है तो इसमें एक ख़ास uh, मुझे बताने में खुशी होती है कि एक इवेंट हमारा ऐसा था जिसमें मतलब जब वो बहुत uh, uh, इसकी गर्व की बात होती है कि जब हमारे मेडल्स मिलते हैं और जब हमारा फ्लैग ऊपर जाता है तो वो एक बहुत गौरव प्राप्त होता है हमें उस समय ऐसा हुआ कि एक इवेंट में हमारे इंडिविजुअल इवेंट था वो जिसमें प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला सिल्वर भी मिला और ब्रॉन्ज भी मिला तीनों फ्लैग इंडिया के ऊपर हुए तो ये बहुत गौरव की बात है कि एक ही इवेंट में तीनों भी मेडल्स हमारे टीम ने मिला है और उसके साथ टीम मेडल में गोल्ड मेडल भी हमको ही मिला तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा मेडल्स भी हम लोग लाएंगे इसी तरह हमको सपोर्ट मिलते रहे और और एक बार मैं अवार्ड को धन्यवाद देता थैंक थैंक यू यू वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू एवरी वन फॉर मेकिंग इट फॉर दिस इवेंट मेरा शुरुआत मेरा मुलाकात हुआ था पैरा एथलीट्स डिफरेंटली एबल कम्युनिटी से 2015 में Uh, मेरे पिताजी के थ्रू जब हम सबसे पहले uh, कुछ पैरा कमेटी ऑफ इंडिया के लोगों से भी मिले थे और दीपा मलिक जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया प्राउडली उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में बताया और कितनी खुशी से वो बोल रही थी कि कैसे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जिसके लिए वो मेडल लेकर आई उनसे मैं प्रेरणा लेकर के मेरे को समझ आया कि और मेरे को याद आया अपनी माता जी के परवरिश उन्होंने जो मेरे को कल्चर उन्होंने मेरे को जो सिखाया उसके बारे में 2015 में जब मैंने इन पैरा एथलीट्स जो उसके बाद हमारे फाउंडेशन से भी जुड़े शिरडी साई बाबा फाउंडेशन से जुड़े थे 10 पैरा एथलीट्स जो मेरे पिताजी ने उन्हें सपोर्ट करने का मेंटर uh, करने का एक इनिशिएटिव uh, लिया था वहीं उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई एथलीट्स जो हमारे वहाँ बैठे हुए हैं जिनको मैं दिल से हमेशा अपना परिवार सबसे पहला परिवार मानती हूँ जिनके वजह से मेरे को शायद डिफरेंटली एबल कम्युनिटी के बारे में पता चला और जब मैंने उनसे बात किया को आइडेंटिफाई हुआ कि मेरे अंदर कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं आज मैं इतनी ब्लेस फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं अप, अपनी लाइफ को हर जो को organs मेरे को ऑर्गन्स हैं मेरी मेरी सोच है इसको मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ मैं सुन पा रही हूँ मैं एक्शन ले पा रही हूँ ये सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हो गई और उसके सामने मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो बहुत छोटे हो गए थे मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ भी चीज़ क्रॉस कर सकती हूँ अगर मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ हो और आप लोगों की वजह से हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आए मैं इस पूरी फेडरेशन इस पूरी कम्यूनिटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे आप आ, जो मीडिया है जो मीडिया और बाकी आ, और आ, फिल्म और एबल बॉडी स्पोर्ट्स से जो लोग आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिफरेंटली एबल कम्युनिटी के बारे में हम आगे और बात करें हम और आइडेंटिटी क्रिएट करें और इक्विटी क्रिएट करें और ब्रांड्स को रिक्वेस्ट करें वो आकर के आप लोगों को सपोर्ट करें गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारा साथ दे रही है गवर्नमेंट ऑलरेडी आवाज़ उठा रही है इसी इसी सोच से हमने ये डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स अवार्ड्स लॉन्च किया है एंड मैं चाहूँगी मैं दिल से ये प्रे प्रे करूँगी कि हम ये आगे बढ़ाते रहें इसमें हम और इनिशिएटिव्स uh, लाते रहें आप आप सबसे हमारे को सपोर्ट मिलता रहे हम ये आवाज़ को और बुलंद कर सकें और हम आगे बढ़ें थैंक यू सो वेरी मच थोड़ी और आवाज़ राधिका के लिए उन्होंने इतने खूबसूरत शब्द कहे हैं आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और अब मैं दरख्वास्त करूंगा जो खड़े हो सकते हैं कृपया खड़े हो जाइए हमारी नई नेशनल एंथम जो पैरा स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए है चल जीत ले ये जहां किसकी आंखों में होता है। होता है। जीतना है तो जानना क्या

Mataki. Yes. Bharat Mataki. Yes. This is going to be the next anthem for all the differently abled awards. This is a song sung by Sukhwinder on the new film. This will change, and every federation will have a free access to this song by Sukhwinder and we are open to receiving your letters and we'll give this song before the release of the film you can use it as your anthem and an inspiration for all the federations it will be free of cost thank you very much